निर्वाचन आयोग की पहल का असर यहाँ पर साफ देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा 50% मतदान का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि ज्यादातर जो रुझान देखा जा रहा है मतदान के प्रति, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। आपको कुछ देर पहले बिहार विधानसभा का अंतिम गांव गाफा से रूबरू करवाया था, और अब हम आपको रूबरू करवा रहे हैं बिहार विधानसभा के टाटगढ़ उपखंड के टाटगढ़ विद्यालय क्षेत्र के मतदान बूथ पर, जहां पर हम मौजूद हैं। और आप अभी देख रहे थे कि राजस्थान का पहला चर्च का वो नजारा, जहां पर ये भूमि वास्तव में इतिहास के पन्नों में बहुत बड़ा महत्व रखती है। हम मौजूद उस क्षेत्र में हैं जहां पर विजय सिंह पथिक जो क्रांतिकारी थे, उस क्षेत्र में मौजूद हैं, जिनका बहुत अच्छा दबदबा यहां पर रहा। वो जेल आप देख सकते हैं पीछे की ओर, जिसमें उन्हें कैद करके रखा गया था, वो क्षेत्र है यहां पर। ये आप जो विद्यालय देख रहे हैं वो ट्रेजेडी कहलाता था उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, और उसी स्वरूप में आज भी विद्यमान है। और यहाँ पर मतदान बूथ इस विद्यालय में बनाया गया है। और इस मतदान बूथ की बात करें तो 13 से 14 कुल मतदाता है, जिसमें से 760 के ऊपर मतदाताओं ने अब तक मतदान कर दिया है। ऐसे में करीब 58% का मतदान अब तक यहाँ पर टाटगढ़ क्षेत्र में हो चुका है, इस बूथ पर हो चुका है। तो आपको बता दें कि ये टाटगढ़ के साथ पास में जो भालिया क्षेत्र है कंप्लीटली, वहां पर अच्छा मतदान के प्रति ग्रामीणों में रुझान यहाँ पर देखा गया है, और सभी तमाम आंकड़े जो है वो 50 को पार कर चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला। तो जिस बूथ पर हम मौजूद हैं, उस बूथ के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि ये बूथ बहुत वाकई मायने इसलिए रखता है इतिहास के पन्नों की बात भी करें, क्योंकि विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी नेता से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर वो जेल आज भी मौजूद है, जिसमें उन्हें बंद किया गया था और जिसे वो तोड़कर भागे थे। वो इतिहास के पन्नों में जो बातें हैं वो आज यहाँ पर साक्षात गवाह के रूप में मौजूद है। साथ में आप पीछे जो दिख रहे हैं, ये विद्यालय का जो प्रधानाचार्य कक्ष बनाया गया है, एक्चुअल में पहले अंग्रेजों के जमाने में ट्रेजेडी कक्ष हुआ करता था। ट्रेजेडी हुआ करती थी यहाँ पर पुराने स्वरूप में ही, जिस तरह से लोहे के दरवाजे बनाए जाते थे, वो आज भी मौजूद है। जिस तरह से उस समय कैदियों को बंद किया जाता था, वो निशान आज भी गवाही दे रहे हैं। तो ये आज के स्वरूप में बात करें तो विद्यालय बन चुका है, बच्चों को शिक्षा यहाँ पर दी जाती है और क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन फिलहाल जो मतदान की बात चल रही है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला। करीब 58% मतदान टाटगढ़ उपखंड के इस विद्यालय में, इस बूथ पर पूर्ण हो चुका है।